नमस्कार दोस्तों, कुछ नया सीखे में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है डिजीज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम्स में इसमें एक दो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, इसलिए आप हमारी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हमारी नई अपडेट्स और नई वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले डिजीज है अल्फेजिया, यानी वाचाघात। जैसे आपको हिंदी में अगर हम समझाएं तो वाचाल कहते हैं कि बोलना, तो ये बोलने से रिलेटेड है, यानी कि मौखिक विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है। जो व्यक्ति है वो बोलकर अपने विचारों को नहीं बोल पाता है या बोलने में उसे दिक्कत होती है, तो ऐसे डिजीज को हम अफेजिया कहते हैं। इस शब्दों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, वो शय को छय पढ़ता है, छय को फै पढ़ता है, इस तरीके का जो विकार उत्पन्न हो जाता है उसे हम अल्फेजिया कहते हैं, उस डिजीज को हम अल्फेजिया कहते हैं। इस डिजीज को समझने के लिए हम इसे अल्फस फस वर्ड आ जाता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं फस, यानी कि जो व्यक्ति है वो फंस जाता है, अपने बोलने में अटक जाता है, कहीं बोलने में जो व्यक्ति फंस जाता है उसे हम अल्फेजिया के नाम से याद रखते हैं। दूसरी है आपकी डिस्फेजिया भी सेम वही डिसीज है। बातचीत करने में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अक्षम हो जाता है व्यक्ति, मतलब उसे बोलने में ही दिक्कत आती है। लेकिन ये अफेजिया से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त है, चाहे वो बाय बर्थ हो, चाहे वो किसी एक्सीडेंट के थ्रू हो, जो भी रीजन हो, लेकिन अगर वो मानसिक विकार उसमें आ जाता है और वो बोल नहीं पाता है किसी भी चीज को, तो ऐसी बीमारी को हम बोलते हैं डिस्फेक्सिया। नेक्स्ट है आपका कैलकुलिया, जिसे हम न्यूमेलेक्सिया भी बोलते हैं, जो कि गणित को समझने में कठिनाई होती है। कैलकुलिया, जैसे कि आप समझ सकते हैं, डिसकैलकुलिया को हम याद रखते हैं, कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन। जो व्यक्ति कोई भी कैलकुलेशन करने में असक्षम हो या कैलकुलेशन को नहीं समझ पाता हो, मैथ्स की कैलकुलेशन को नहीं समझ पाता हो, उस तरह के विकार को हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसलेक्सिया यानी कि पठन संबंधित विकार। पढ़ने में कठिनाई होती है उस व्यक्ति को, वो सही से चीजों को पढ़ नहीं पाता है। जैसे बी को डी पढ़ता है, पी को बी पढ़ता है, इस्सा और वॉज में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, न्यूक्लियर और अनक्लियर को वो सेम ही वर्ड समझता है, उसे पढ़ने में दिक्कत होती है। इस तरह के विकार को हम बोलते हैं डिसलेक्सिया, यानी कि वो डिसलाइक करता है चीजों को पढ़ने के लिए। डिसलेक्सिया को हम डिसलाइक वर्ड से याद रख सकते हैं। डिसलाइक यानी कि किसी भी चीज को पढ़ने में उसकी रुचि नहीं है, वो उसे डिसलाइक करता है, तो इस बीमारी को हम कहते हैं डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है हमारी डिसग्राफिया यानी कि लिखने से संबंधित विकार। जो भी व्यक्ति लिखने में असक्षम हो जाता है, कोई भी चीज उसे सही से लिखी नहीं जाती है, उसे हम ऐसी बीमारी को हम डिसग्राफिया से ग्रसित व्यक्ति कहते हैं। लेकिन इसे हम याद रखते हैं ग्राफ से, इसे हम दोस्तों ग्राफ से याद रख सकते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो ग्राफ बनाने या ग्राफ ड्रॉ करने में, लिखने में असक्षम है, उस व्यक्ति में डिसग्राफिया नाम की बीमारी होती है। नेक्स्ट है अप्रेक्सिया यानी कि शारीरिक विकार। कोई भी व्यक्ति जो शरीर से असक्षम है, उसकी मांसपेशियां जो है ये काम करने में असक्षम है, वो ऐसे व्यक्ति को अप्रेक्सिया नाम की बीमारी होती है। मांसपेशियों का संचालन से संबंधित गति कौशल नहीं कर पाता, यानी कि जितने भी अपने हैंड मूवमेंट्स हैं, लेग्स मूवमेंट्स हैं, या कोई भी अपना मूवमेंट है जो कि मांसपेशियों से संबंधित होता है, वो नहीं कर पाता है। मस्तिष्क के सेरिब्रम में क्षति के कारण होती है ये वाली जो बीमारी है, वो मस्तिष्क में जो सेरिब्रम होता है उसमें जो कोई क्षति हो जाती है, उसके कारण ये वाली बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है साइकोसिस, विचार संवेग व्यवहार में बदलाव आ जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसका जो पहले से बिल्कुल स्वस्थ होता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें उसके विचारों में, उसकी भावनाओं में और व्यवहार में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कोई भी सड़कों पर व्यक्ति अपने आप में बोलता चला जाता है,
वो अपने आप ही मस्त रहता है, कुछ भी उसके दिन दुनिया का कुछ पता नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति में वो पागल नहीं होता है, एक्चुअली में वो बीमार होता है, उसे साइकोसिस नाम की ये बीमारी होती है। जो ऐसा व्यक्ति हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं, उसमें कोई भी जिम्मेदारियों का उन्हें एहसास नहीं होता है कि हमारी ये जिम्मेदारी, हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो अपने आप में ही मस्त होते हैं, खुद में ही बोलते चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को साइकोसिस नाम की बीमारी होती है। नेक्स्ट है डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया भ्रम वाली स्थिति, यानी कि जैसे इसमें भी भ्रम होता है लेकिन ये थोड़ा अलग है। इसमें जो है शारीरिक भ्रम होता है, कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से शरीर को लेकर बड़ी भ्रम की स्थिति में होता है। जैसे वो कहता है मेरा हाथ थोड़ा लंबा है, मेरा पैर लंबा है, मैं ज्यादा लंबाई का हूँ, वो अपनी जो तुलना है वो दूसरे अन्य व्यक्ति से के शरीर के अंगों से करने लगता है। इस तरह से वो भ्रम की स्थिति में रहता है, ऐसे व्यक्ति को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उसमें डिसमॉर्फिया नाम की बीमारी होती है। तो आपको हम ये सारी हमने बीमारियां जो थी आपको बहुत अच्छे से समझा दी है, होपफुली कि आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।